चलिए चलते हैं अब हम अपने लास्ट चैप्टर के रिवीजन पर जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस ये देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है नॉर्मल बैच में इस चैप्टर पर हमारी पांच क्लास लगती हैं। अच्छा पांच क्लास आप समझ सकते हैं यानी लगभग लगभग 12 से 14 घंटे 12 टू 14 आवर्स का ये सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है अब सोचो यानी अगर इस पर हम बात करें कि सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की तो पूरा मैराथन सिर्फ इस एक चैप्टर पर बन जाएगा तो उसे मैराथन थोड़ी ना कह पाएंगे फिर हम तो इसलिए मैंने कहा बहुत वाइड चैप्टर है पूरा चैप्टर सारा इस लेक्चर में डिस्कस करना मेरे लिए बिल्कुल इंपॉसिबल सी चीज है इसलिए यहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड हमने मैंने कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट निकाले हैं जो मुझे आपको कराने हैं उन्हें यहां पर हम डिस्कस करेंगे देखें जरा स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस सबसे पहले हेडिंग दी है हमने बिजनेस फोरकास्टिंग देखना ये टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस कहां पर कवर होगा बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए यानी फ्यूचर से रिलेटेड वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए चाहे वो किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड हो देखो जरा बिजनेस फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल बिजनेस टूल्स बीन यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टुअर्ड्स फ्यूचर प्रोजेक्शन किस लिए ये टूल यूज किया जाता है फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए यहां तक बात ठीक है आगे देखिए क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्वानिटेटिव तो इंटरव्यू से इनसे से, इन से पता चलता है जहाँ पर का कम लेना देना होगा क्वालिटी से रिलेटेड ज्यादा बात होगी तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वान्टिटेटिव मैथड्स ऑफ फोरकास्टिंग जिसके अंदर ये टाइम सीरीज और रिग्रेशन एनालिसिस आते हैं देखें जरा सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग आर क्या मेथड्स हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बस मैंने वही कहा ये देखिए हमारे चैप्टर का नाम इन दोनों से ही मिलकर बना है टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेनली इनका काम इन इन दोनों पॉइंट का ही है इस चैप्टर के अंदर एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का भी कांसेप्ट है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे और हम इन तीनों कांसेप्ट्स से रिलेटेड इस चैप्टर के रिवीजन में एक एक क्वेश्चन बनाएंगे देखिए जरा रिग्रेशन एनालिसिस देखिए रिग्रेशन एनालिसिस का क्या है रिलेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है अच्छा किस चीज का रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल दो वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करता हो उनके रिलेशन को प्रेजेंट करता है रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ो जरा क्या लिखा है देखिए फर्स्ट पॉइंट रिग्रेशन एनालिसिस ट्राइज टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओब्लिक वेरिएबल्स क्या लिखा हमने डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम एक एक वाला यानी एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वाला इस मैराथन लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल भी हमने लिखा डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है उसके प्राइस पर हियर डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ पा रहे हैं डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर ये तो आपको पता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी तो यानी डिपेंड क्या कर रही है डिमांड किस पर प्राइस पर तो प्राइस हो गया इंडिपेंडेंट और डिमांड हो गई डिपेंडेंट आगे बढ़ते हैं ये देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसे हम कहते हैं एसएलआर मॉडल सर सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मतलब क्या है मैंने यही कहा कि रिग्रेशन एनालिसिस में मैं यही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन यानी जहां पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन की हम यहां पर बात करेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हो जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एम मैंने शॉर्ट में बता दिया है लेकिन हम यहां पर डिस्कस कौन सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़िए जरा देखिए क्या लिखा है इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन वी स्टडी ओनली टू वेरिएबल्स एट ए टाइम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम सिर्फ दो वेरिएबल एक टाइम पर स्टडी करते हैं इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इनडिपेंडेंट ठीक है एस एल आर मॉडल फॉर सैंपल ध्यान से एस एल आर मॉडल फॉर सैंपल हम सैंपल की यहां पर बात करते हैं सैंपल से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अगर अदरवाइज हम बात कर सकते हैं एस एल आर मॉडल फॉर पॉपुलेशन उसकी बात यहां पर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकती एस एल आर मॉडल फॉर सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स यानी ये वाई की इक्वेशन है एक्स पर यानी वाई है हमारा डिपेंडेंट और किस पर डिपेंड करता है एक्स पर एक्स हो गया इंडिपेंडेंट। देखिए वो इक्वेशन क्या लिखी है हमने ये रही, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्सर वाई क्या है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये डिपेंड करेगी किस पर एक्स पर और आप देखो जरा जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है एक्स की वैल्यू यहां पर है एक्स की वैल्यू को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वाई की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी इसीलिए तो हम कह रहे हैं एक्स कैसा है इंडिपेंडेंट और वाई है डिपेंडेंट यानी वाई की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स पर ए से मतलब क्या है ए का मतलब है इंटरसेप्ट अब इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होगा वो मैंने आगे लिखा वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी और आप खुद सोचो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट कर दी जाए तो जीरो की मल्टीप्लाई होकर बी से ये हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या आएगा a तो हम यही तो कह रहे हैं a a क्या है a वो है वो वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कब होगी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होगा b क्या है स्लोप b को हम क्या कहते हैं स्लोप कह सकते हैं रिग्रेशन कोफिशेंट कह सकते हैं क्या मतलब है इसका द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होगा उसके रेट को ये प्रेजेंट करता है विद यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने से यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में किस रेट से चेंज होगा उसे हम कहते हैं बी और एक्स एक्स तो हमें पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आगे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बनाने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वैल्यूज ऑफ ए एंड बी लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन क्या है फॉर दैट द नॉर्मल इक्वेशन आर क्या इक्वेशन है देखिए दो इक्वेशन आपको दे दी है ये नंबर एक और ये नंबर दो समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर वन हो गई एंड एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन बी समीशन ऑफ एक्स स्क्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से मतलब क्या होगा नंबर ऑफ पेयर जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे देखो अब यहां पर हम एस एल आर मॉडल बनाना सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पढ़ते हैं देर आर टू वेरिएबल्स दैट नीड टू बी स्टडीड दो वेरिएबल हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ कॉटन एंड इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू इंडिया

वो हमें यहां पर बताना पड़ेगा इन करोर्स रुप हमें दे रखा है एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है आपसे पूछा गया है सबसे पहले रिग्रेशन मॉडल शुड बी यूज हि दो ही वेरिएबल हैं दो वेरिएबल के केस में कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा एस मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इस बात को लिख लेते हैं Likhye. There are only two variables, and hence simple linear regression. एस एल आर मोडल शुड बी यूज एस एल आर मॉडल शुड बी यूज चलिए लिखते हैं लेट द रिग्रेशन इक्वेशन इज क्या है रिग्रेशन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये लो मैं यहां पर लिख देता हूं हेयर वाई इज इक्वल टू इंपोर्ट एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट आगे लिखें इन ऑर्डर टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी कॉमा वी कैन यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड स्क्वायर मेथड फुल स्टॉप. फॉर दैट द नॉर्मल इक्वेशंस. फॉर दैट द नॉर्मल इक्वेशंस आर क्या है वो नॉर्मल इक्वेशंस? समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूटेशन अब देखना इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वायर्ड डेटा कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा अभी एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये सब हमें निकालना पड़ेगा ना कंप्यूट करना पड़ेगा ये लीजिए हम ऊपर ही लिख देते हैं ब्रैकेट में रुपीज इन करोर्स नंबर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दैट इज एक्स Imports दैट इज वाई यहां पर निकाल लेंगे हम एक्स वाई और यहां पर निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर हमें सेवन ईयर्स का डेटा सेट दे रखा है तो हम यहां पर लिख देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है जी जो डेटा दे रखा है वो देख लीजिए एक्सपोर्ट में फोर्टी टू फोर्टी फोर फिफ्टी एट फोर्टी टू फोर्टी फोर फिफ्टी एट फिफ्टी फाइव एटी नाइन नाइन्टी एट फिफ्टी फाइव एटी नाइन एट सिक्सटी सिक्सटी इम्पोर्ट्स पर आ जाइए फिफ्टी सिक्स फोर्टी नाइन फिफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स फोर्टी नाइन फिफ्टी थ्री फिफ्टी एट सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स फिफ्टी एट सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स एंड लास्ट क्या है फिफ्टी एट फिफ्टी एट अब एक्स भी आपको पता है वाई भी आपको पता है मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल देते हैं निकालो यहां पर लास्ट में कर देंगे फिर हम इनका सबका टोटल निकालो जरा मल्टीप्लाई करके फोर्टी टू इंटू फिफ्टी सिक्स टू थ्री फाइव टू

सेवेंटी सिक्स सेवन डबल फोर एट सिक्सटी इंटू फिफ्टी एट थ्री फोर एट जीरो टोटल कर दो ज़रा कितना आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री चेक कर लेना क्योंकि अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर निकालिए एक्स स्क्वायर एक्स आपको पता है तो फोर्टी टू का स्क्वायर वन सेवन सिक्स फोर वन नाइन थ्री सिक्स थ्री थ्री सिक्स फोर थ्री जीरो टू फाइव सेवन नाइन टू वन नाइन सिक्स जीरो फोर और लास्ट थर्टी सिक्स हंड्रेड टोटल कर दो इनका भी कितना आ गया टोटल देखना थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोटीन एक्स और वाई का भी टोटल कर लीजिए फोर्टी टू प्लस फोर्टी फोर प्लस फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी फाइव प्लस एटी नाइन प्लस नाइन्टी एट प्लस सिक्सटी फोर फोर्टी सिक्स वाई का टोटल फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी नाइन प्लस फिफ्टी थ्री प्लस फिफ्टी एट प्लस सिक्सटी सेवन प्लस सेवेंटी सिक्स प्लस फिफ्टी एट 417. जो नॉर्मल इक्वेशन हमने लिखी थी वो ले लेते हैं नॉर्मल इक्वेशन क्या थी हमारी समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स एक इक्वेशन हमारी ये थी इसमें वैल्यू पुट करते हैं समेशन ऑफ वाई क्या आया हमारा 417. ज इक्वल टू एन हमारा सेवन है ए हमें निकालना है प्लस बी हमें निकालना है समीशन ऑफ एक्स समीशन एक्स की वैल्यू समीशन एक्स की वैल्यू फोर फोर्टी सिक्स ये क्या क्वेश्चन बन गई ये बन गई सेवन ए प्लस फोर फोर्टी सिक्स बी ड्रेड एंड सेवनटीन इक्वेशन नंबर वन अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या थी समेन टू एक्स प्लस वैल्यू पुट करो समीशन ऑफ एक्स वाई क्या हमारा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स इज इक्वल टू ए हमें निकालना है समिशन ऑफ एक्स फोर फोर्टी सिक्स प्लस बी हमें निकालना है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन ये क्या क्वेश्चन बनेगी फोर फोर्टी सिक्स ए प्लस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री इक्वेशन नंबर टू इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है अब ऐसे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एक इजी तरीका निकालते हैं इजी तरीका क्या है देखना इक्वेशन नंबर वन लेता हूं मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम। इक्वेशन वन इक्वेशन वन ले रहे हैं हम सेवन ए प्लस फोर फोर्टी सिक्स बी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं कैसे सेवन ए इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन माइनस फोर फोर्टी सिक्स बी तो a क्या हो जाएगा फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन माइनस फोर फोर्टी सिक्स बी डिवाइडेड बाई सेवन ये यहां से निकलकर आ गई वैल्यू ऑफ a इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में रख दो देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या थी फोर फोर्टी सिक्स ए प्लस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री ये क्वेश्चन नंबर टू है यहां पर ए की वैल्यू हम ये पुट करेंगे फोर फोर्टी सिक्स अब ए की जगह पर हम रख रहे हैं क्या फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन माइनस फोर फोर्टी सिक्स बी डिवाइड बाई सेवन थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स b की वैल्यू अब हमें यहां से कंप्यूट करनी है अच्छा b की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखो फोर फोर्टी सिक्स इसे सेवन से डिवाइड कर देते हैं क्या आ जाएगा 417 हंड्रेड एंड सेवनटीन डिवाइड बाई सेवन फिफ्टी नाइन पॉइंट माइनस फोर डिवाइड बाई सेवन सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन वन बी प्लस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई करो फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव सेवन से इसकी क्या जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव सिक्सटी एट पॉइंट टू टू माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स बी प्लस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ये माइनस का ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स बी प्लस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री और वो न्यूमेरिक वैल्यू इधर आएगी माइनस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव सिक्सटी एट पॉइंट टू टू सोल्व करो इसे न्यूमेरिक फिगर में कहीं कुछ गलती ना हो जाए बस ध्यान से करना यह आ जाएगा टू सेवन नाइन नाइन पॉइंट थ्री फोर बी इज इक्वल टू वन जीरो नाइन फोर पॉइंट सेवन एट तो बी की वैल्यू क्या आ गई वन जीरो नाइन फोर पॉइंट सेवन एट डिवाइडेड बाई टू सेवन नाइन नाइन पॉइंट थ्री फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री नाइन ठीक है जी अब B की वैल्यू निकल गई है तो A की वैल्यू भी निकल जाएगी A की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 417 हंड्रेड एंड सेवनटीन माइनस फोर फोर्टी थी ना देखो यहाँ पर जो बॉक्स में हमने कवर की हुई है B की वैल्यू यहां पर ये यह पुट कर दीजिए A की वैल्यू आ गई 417 हंड्रेड एंड सेवनटीन माइनस फोर ये आ जाएगा पॉइंट थ्री नाइन डिवाइड बाई सेवन Equal to four hundred and seventeen minus one seventy three point nine four divided by seven thirty four point seven two. ए हमारा आ गया थर्टी फोर पॉइंट सेवन टू बी हमारा आ गया जीरो पॉइंट थ्री नाइन ठीक है यहां तक बात समझ आ गई रिग्रेशन इक्वेशन क्या थी द रिग्रेशन इक्वेशन द रिग्रेशन इक्वेशन इज बताओ जरा y is equal to a plus b x तो y is equal to a की वैल्यू आ गई थर्टी फोर पॉइंट सेवन टू प्लस और b की वैल्यू आ गई पॉइंट थ्री नाइन एक्स ये देखिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनाकर देनी थी एस एल आर मॉडल क्रिएट करके देना था जो हमने कर दिया और क्या कहा था इन्होंने देखना वट काइंड ऑफ रिग्रेशन मॉडल शुड बी यूज हियर वो हमने बता दिया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज होगा वट आर द रिजल्ट ऑफ दिस रिग्रेशन रिजल्ट हमने निकाल दिया क्या रिग्रेशन क्वेश्चन बनकर आई है इंटरप्रेट द मॉडल एस्टिमेटर मॉडल एस्टिमेटर को इंटरप्रेट कीजिए ये लो इंटरप्रिटेशन ध्यान से देखिए जरा स्लोप स्लोप मतलब जो b की वैल्यू है 0.39 0.39 ये क्या रिप्रेजेंट करती है इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज इन वाई और वाई क्या था हमारा इंपोर्ट इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स क्या था हमारा एक्सपोर्ट ठीक है और क्या वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यानी जो ए की वैल्यू निकलकर आई है कितनी आई है थर्टी फोर पॉइंट सेवन टू इसका मतलब क्या है इट इंडिकेट्स that even there is no export export ki value zero yani x ki value zero even there is no export comma the import will be of rupees 34.72 करोर्स करोर्स में थी ना वैल्यू वो ये देखिए ये क्वेश्चन हमने बनाना यहाँ पर सीख लिया है इस क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया है रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में कौन सा मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्लियर है ये क्वेश्चन हमारा बन गया है आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर देखिए जरा आगे क्या कॉन्सेप्ट है अब टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया ध्यान से पढ़ना टाइम सीरीज देखिए टाइम सीरीज क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू का ऑब्जर्वेशन किया जाए पास्ट ईयर्स का टाइम टू टाइम ऑब्जर्व जब आप किसी वेरिएबल को करते हैं तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो जब हम टाइम के अकॉर्डिंग किसी वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आने का एनालिसिस करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज का एनालिसिस देखो जरा पढ़ो क्या लिखा है टाइम सीरीज रेफर्स टू द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन अकोर्डेंस विद द टाइम ऑफ ऑकरेंस किसके अकोर्डेंस में टाइम के ऑकरेंस में स्टडी ऑफ टाइम सीरीज डेटा डिस्कलोजेस दैट द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ वेरियबल आर फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टाइम सीरीज डेटा की स्टडी से ये डिस्क्लोज़ होता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती रहती है फ्लक्चुएट होती रहती है फॉर एग्जाम्पल सेल्स ट्रेंड स्टोक मार्केट प्राइस अब सेल्स कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन इस तरह चलता है ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग पीरियड स्टॉक मार्केट प्राइस शेयर का मार्केट प्राइस अप डाउन होता रहता है टाइम सीरीज इज यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्व वैल्यूज टाइम एनालिसिस किस लिए किया जाता है फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए किस पर बेस्ड पास्ट डेटा पर बेस्ड देखिए टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं चार कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं जो हम यहाँ पर इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने यहां पर डिस्कस किया है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं देखना जरा हां जी पढ़िए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या लिखा है इट इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन अभी हमने लिस्ट स्क्वायर मेथड से सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा क्या लिखा यहां पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिस्ट रिग्रेशन क्यों स्पेशल कैटेगरी है इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टाइम क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होता है और हम यही तो कहते हैं कि टाइम पर चीजें टाइम पर वेरिएबल डिपेंड करता है इसीलिए तो टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट हमने इसे नाम दे रखा है द ट्रेंड लाइन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बिल्कुल सेम आ गया टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी नॉर्मल इक्वेशन आर वो नॉर्मल एज इट इज वही आ गई लेकिन अब इस तरह टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम एस्टिमेशन करेंगे तो कैसे किया जाएगा वो देखें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं अब हम द फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू द टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया

कितने टूरिस्ट आएंगे देख लेते हैं किस तरह ये क्वेश्चन बनाई जाएगी ध्यान से समझना सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं द ट्रेंड लाइन is वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे द ओरिजिन ध्यान से जब टाइम के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो किस तरह से करना पड़ेगा ध्यान से सुनना द ओरिजिन इज एट ओरिजिन कहां पर है ओरिजिन से हमारा मतलब क्या है जो डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके मिडिल टाइम पर पहुंच जाइए सर हमें 2015 से लेकर 2021 तक का डेटा दे रखा है इनका मिडिल ईयर कौन सा होगा यानी 2015 से 2021 के बीच में क्या पड़ेगा तो इसका इजी सा तरीका है 2015 लिखो आप कैलकुलेटर पर प्लस 2021 लिखो और टू से डिवाइड कर दो तो 2018, ये आ जाएगा टू यानी ये मिडिल है ये ओरिजिन है बिल्कुल मिडिल ईयर पर पहुंच जाएंगे हम और आप देख सकते हैं 2018 से तीन साल इधर आ रहे हैं और तीन साल इधर आ रहे हैं तो इसलिए मिडिल तो हुआ तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं इज एट ईयर 2018 एंड द एक्स यूनिट इज इक्वल टू वन ईयर एक्स जो है हम उसकी यूनिट को वन ईयर लेकर चलेंगे कैसे करेंगे वो अभी आपको धीरे धीरे बात समझ आएगी आगे लिखते हैं द नॉर्मल इक्वेश्स आर द नॉर्मल इक्वेशंस आर नॉर्मल इक्वेश आपको पता है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स और सेकंड क्वेश्चन क्या है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चलो कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा Computation of required data. ध्यान से समझना जो डेटा हमें दे रखा था वो दे रखा है ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 एन हम कहें तो कितना हो गया यहां पर सेवन सेवन ईयरस का डेटा है नंबर ऑफ टूरिस्ट इन लेक्स देखना कितने कितने दिए थे ये देखिए एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव आगे देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी ये क्या है ये है वाई ये क्या है वाई हमें एक्स निकालना पड़ेगा एक्स अब कैसे निकलेगा जरा उस चीज पर ध्यान देना एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां पर एक्स की वैल्यू निकलेगी 2015 माइनस 2000 जो आपने ओरिजिन लिया है ओरिजिन क्या लिया है 2018 मैंने ऊपर लिखा था ना ये देखो ये हमने लिखा था ओरिजिन एट इज एट ईयर 2018 तो जो भी इयर्स आपको दे रखे हैं उसमें जो ओरिजिन आप लेकर चल रहे हैं वो माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 3 सेम इसी तरह यहां पर 2016 माइनस ओरिजिन ईयर कौन सा था 2018 तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 2 इसी तरह 2017 थाउजेंड माइनस ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का वन इसी तरह आगे निकालते जाओ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 2018 थाउजेंड एटीन माइनस टू थाउजेंड एन जीरो थ्री अब आपको पता है ये हमने लिया है वाई ये हमने लिया है एक्स तो मल्टीप्लाई करके एक्स वाई नहीं बता सकते हो एक्स वाई करो जरा एटीन इंटू माइनस थ्री क्या बनेगा माइनस का फिफ्टी फोर ट्वेंटी इंटू टू माइनस का फोर्टी ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस वन माइनस का ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो जीरो ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट इंटू टू फिफ्टी सिक्स एंड थर्टी इंटू थ्री नाइन्टी इसी तरह निकाल दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा हमारा एक्स इसका स्क्वायर कर दो माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस वन का स्क्वायर वन ये जीरो ये वन ये फोर ये नाइन सबका कर दो टोटल ये समेशन ऑफ वाई क्या आ रहा है एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन सिक्सटी एट ऑफ एक्स ये आ गया हमारा जीरो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन्टी यह आ गया हमारा फिफ्टी थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या आ गया ट्वेंटी एट ठीक है जी बात समझ आ रही ही है इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं ये लो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी समिशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई हमारा आ रहा है वन सिक्सटी एट इज इक्वल टू एन है हमारा सेवन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस बी समीशन ऑफ एक्स आया हमारा जीरो तो यहां से डायरेक्ट आ गया है सेवन ए इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट एंड ए इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट डिवाइड बाई सेवन दी फोर ए की वैल्यू निकल गई दूसरी क्वेश्चन लेते हैं दूसरी क्वेश्चन क्या थी समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स वाई क्या निकल कर आया था हमारा ये था फिफ्टी थ्री ऐसे ही लिख लिया अभी हमने समेशन ऑफ एक्स हमारा है जीरो प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा ट्वेंटी एट ये क्या हो जाएगा फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू ये ए की मल्टीप्लाई जीरो में होगी जीरो आ गया ट्वेंटी एट बी और बी की वैल्यू यहां से आ गई फिफ्टी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी एट वन पॉइंट एट नाइन थ्री कर देते हैं एट नाइन टू एट है ना तो एट हटाकर हमने यहां पर क्या कर दिया थ्री कर दिया द ट्रेंड लाइन इज द ट्रेंड लाइन इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था तो y इज इक्वल टू ए ए की वैल्यू निकली हमारी ट्वेंटी फोर प्लस बी की वैल्यू निकली हमारी वन पॉइंट एट नाइन थ्री एक्स ये देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कहा था हमने बता बना दिया है और भी कुछ कहा था क्या फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमने फिट कर दी है बाय द लीस्ट स्क्वायर मॉडल एंड द एस्टिमेट द नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट वुड अराइव इन 2025 2025 में कितने टूरिस्ट आएंगे ये भी हमें निकाल कर देना है तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव कोमा एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बताओ अच्छा हमने एक्स कैसे निकाला है देखना हमने एक्स कैसे निकाला ये तो रहा एक्स कैसे निकाला था जो भी जिस ईयर के लिए हमें डेटा निकालना है माइनस ओरिजिन वाला ईयर तो 2025 के लिए अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा 2025 माइनस ओरिजिन था हमारा 2018 तो ये क्या आ गया ये आ जाएगा हमारा सेवन ठीक है अब हम नीचे लिखा निकाल सकते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2021 कैसे निकलेगा अब इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर सेवन रख दो तो ट्वेंटी फोर प्लस 1.893 x एक्स की जगह पर रख दिया हमने सेवन 24 फोर प्लस वन पॉइंट एट नाइन थ्री इंटू सेवन थर्टीन पॉइंट टू फाइव वन कितना आ गया थर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव वन लैक्स लैक्स में थी ना फिगर्स देखा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का यूज करते हुए टाइम सीरीज का concept, हमने स्क्वायर मॉडल का यूज करते हुए 2025 में कितने टूरिस्ट आने वाले हैं ये एस्टिमेट करके बता दिया है देखिए मैंने पहले ही कहा चैप्टर बहुत वाइड है जो मुझे सिलेक्टेड बेसिस पर लगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट इस मैराथन लेक्चर में डिस्कस करने चाहिए वो मैं आपके साथ यहां पर कर रहा हूं मैंने एक आपको रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन करा एक टाइम सीरीज में स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का क्वेश्चन करा दिया है अब हम चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट जिसे हमने नाम दिया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देखिएगा जरा ये देखिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देखिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में कुछ वेट्स असाइंड किए जाते हैं डेटा को देखो वो पढ़ेंगे हम यहां पर देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए मेथड टू स्मूथ द टाइम सीरीज़ डेटा। यहां पर टाइम सीरीज डेटा को स्मूथ करने की बात की जाती है इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ मूविंग एवरेज वेयर वेट्स आर गिवन टू पास्ट डेटा इन एक्सपोनेंशियल मैनर क्या कह रहे हैं इट कैन बी कंसिडर एक्सटेंशन ऑफ मूविंग एवरेज ये मूविंग एवरेज का एक्सटेंशन एक्सटेंशनिडर किया जाता है लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल मैनर में कुछ वेट्स पास्ट डेटा को असाइंड किया जाता है सो दैट द मोस्ट रिसेंट डेटा कैरीज मोर वेट इन द मूविंग एवरेज जिससे कि जो रिसेंट डेटा है उसे ज्यादा वेट दिया जा सके मूविंग एवरेज में कैसे? देखिए अब हाँ पर हम वेट करने की बात कर रहे हैं वो वेट कैसे कैसे किया जाता है? ये कैसे डिराइव होकर आएगा मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं हां एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसे कैसे बना सकते हैं कैसे हम फोरकास्ट कर पाएंगे उसकी बात कर रहे हैं देखना क्या लिखा है फिर हमने फोरकास्ट फॉर टाइम टी टी यानी जिस टाइम के लिए आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं कैसे निकलेगा यूटी इज इक्वल टू यू टी माइनस वन प्लस ईटी सर एल्फा क्या है जैसे हमने कहा ना वेट असाइन किए जाते हैं एल्फा से ही वो वेट कंप्यूट होकर आता है चलो हमें तो फोरकास्टिंग करना सीखना है डायरेक्ट डेरिवेशन की हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं कैसे एस्टिमेशन होगा यूटी इज इक्वल टू यू टी माइनस वन प्लस एल्फाईटी UT क्या है जो हमें फोरकास्ट करना है यानी फोरकास्ट फॉर टाइम टी यूटी माइनस वन क्या है फोरकास्ट फॉर टाइम टी माइनस वन यानी जो टी है मान लीजिए टी कोई भी पीरियड है उसमें से एक कम पीरियड उसे हम कहेंगे यूटी माइनस वन ईटी टी है फोरकास्ट एरर फोरकास्ट एरर से मतलब क्या है हमारा जो प्रीवियस फोरकास्ट था उसमें और एक्चुअल डेटा में क्या चेंज रहा उसे हम कहेंगे फोरकास्ट एरर और देखो मैंने यहां पर ही लिखा YT, Alpha, ET, जो हमने यहां पर फॉर्मुले में ऊपर लिखा है ये करेक्शन कैस, ये कैसे निकलेगा एल्फा आपको क्वेश्चन में दिया होगा और इटी जो है वो हमने यहां से निकाला है फोरकास्ट एरर के नाम से कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बीपी लेदर्स ए शू हैज मॉडर्न आउटलुक एंड दे डिपेंड हैवीली ऑन बिजनेस फॉरकास्टिंग मेथोडोलॉजी टू प्लान देयर बिजनेस एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फाइनेंस एटसेट्रा क्या कह रहे हैं बीपी लेदर्स क्या है वो शू मैन्युफैक्चरर है कह रहे हैं ये बिजनेस फॉरकास्टिंग पर डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज को यानी मैन्युफैक्चरिंग कितना करना है मार्केटिंग फाइनेंस ये कैसे करते हैं फोरकास्ट करके एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022 दे हैव फोरकास्टेड डेटा ऑफ डिमांड ऑफ देयर शूज फॉर द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च एज 1000 पेयर ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है वो क्या है मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ते से मैं डिस्कस करूंगा क्या कह रहे हैं दे हैव फोरकास्टेड उन्होंने पहले से ही फोरकास्ट किया था द डेटा ऑफ डिमांड फॉर देयर शूज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च एज वन थाउजेंड पेयर कह रहे हैं मार्च के मंथ की स्टार्टिंग के लिए एक हजार पेयर इन्होंने मार्च मंथ के लिए एस्टीमेट किया था अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि करेक्शन क्या है बट द एक्चुअल डिमांड टर्न आउट टू बी नाइन हंड्रेड पेयर एस्टिमेशन था इनका वन थाउजेंड पेयर का जबकि एक्चुअल में कितनी नाइन हंड्रेड पेयर की डिमांड रही यूजिंग एक्सपोनशियल यूजिंग ए स्मूदिंग कोफिशियंट ऑफ जीरो ये जीरो क्या है एल्फा स्मूदिंग ऑफ जीरो पॉइंट वन फोरकास्ट द डिमांड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कह रहे लिए आप फोरकास्ट करके बताइए इसका मतलब जो ऊपर जो वन थाउजेंड पेयर दे रखा था ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च के लिए नहीं था ये बिगिन ये जो बिगिनिंग वीक जो है मंथ का जो पहला वीक है उसका फोरकास्ट था बात समझ आ रही है यानी पूरे महीने का फोरकास्ट नहीं था बिगनिंग वीक यानी फर्स्ट वीक के बिगिनिंग का फोरकास्ट था फर्स्ट वीक के बिगनिंग में इन्होंने फोरकास्ट किया कि फर्स्ट वीक में 1000 थाउजेंड पेयर की डिमांड होगी जबकि एक्चुअल में 900 की हुई कह रहे हैं अब सेकेंड वीक के लिए आप फोरकास्ट कीजिए ठीक है कर लेंगे ऑल्सो फोरकास्ट द डिमांड यूजिंग एक्सपोनशियल स्मूदिंग टेक्निक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक

बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नाइन थर्टी फोर पेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल वन थाउजेंड एट पेयर एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल वन थाउजेंड ट्वेंटी पेयर्स ठीक है यह हम सब बनाएंगे स्टार्ट करते हैं जरा ध्यान देना सोल्यूशन इन एक्सपोनेशियल स्मूदिंग इन एक्सपोनशियल स्मूदिंग क्या सीखा है हमने हमने सीखा है यूटी इज यू टी माइनस वन प्लस एल्फा ई टी देखना यही लिखा था ना ये देखिए ये रहा यूटी यानी टी पीरियड के लिए हम फोरकास्ट कैसे करेंगे यूटी माइनस वन प्रीवियस फोरकास्ट प्लस एल्फाईटी और एल्फा हमें क्वेश्चन में दे रखा है ईटी कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं हेयर एल्फा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन और ईटी कैसे निकलेगा इटी क्या था ईटी हमने बताया था फोरकास्ट एरर यह कैसे निकलेगा वाई टी माइनस यू टी माइनस वन चलो देख लेंगे वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग चलिए लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ध्यान से प्लीज ये लो मैं यहां पर लिखता हूं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कहां से कहां तक करना था हमें देखना क्वेश्चन में क्या लिखा था हर वीक के लिए करना है क्या लिखा था यहां पर पढ़ो बीच में मिड ऑफ मिड में पढ़िए क्वेश्चन के ऑल्सो फोरकास्ट द डिमांड यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक एट द बिगनिंग ऑफ ईच वीक मिड अप्रैल 2022 ये लो सेकेंड वीक ऑफ मार्च थर्ड वीक ऑफ मार्च फोर्थ वीक ऑफ मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल और भी आगे तक दे रखा था क्या पढ़ो यहां पर देखो जो डेटा दे रखा है वहां देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ यहां पर पढ़ रहा हूं मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वीक ऑफ अप्रैल एंड एट द एंड ऑफ सेकंड वीक एंड ऑफ सेकंड वीक ऑफ अप्रैल भी लिखा है ये लो एंड ऑफ सेकंड वीक ऑफ अप्रैल कैसे करेंगे वो आपको अभी समझ आ जाएगा बस ध्यान से देखते रहें एक्चुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में दे रखी है एक्चुअल डिमांड के लिए हमें एक कॉलम चाहिए प्रीवियस फोरकास्ट के लिए हमें एक कॉलम चाहिए फोरकास्ट एरर के लिए हमें एक कॉलम चाहिए एक कॉलम हमें करेक्शन के लिए चाहिए और एक कॉलम न्यू फोरकास्ट। ज्यादा ध्यान देना एक्चुअल डिमांड इसे हम डिनोट करेंगे वाई टी एक्चुअल डिमांड यानी वाई टी प्रीवियस फोरकास्ट प्रीवियस फोरकास्ट ये क्या होगा हमारा यू टी माइनस वन फोरकास्ट एरर ये क्या है ये है हमारा ई टी कैसे वाई टी माइनस यू टी माइनस वन देखो लिखा हुआ है ना हमने फोरकास्ट एरर के लिए यहां पर भी लिखा है हमने ये रहा ई टी कैसे निकलेगा वाई टी माइनस यू टी माइनस वन फिर करेक्शन करेक्शन क्या होगा अल्फा ईटी और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर क्वेश्चन में ही पॉइंट वन तो ईटी यहां निकल गया ये रहा इसमें पॉइंट वन की मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की तो अल्फा ईटी आ जाएगा और लास्ट में न्यू फोरकास्ट न्यू फोरकास्ट जो हमने फॉर्मूले से पढ़ा क्या आएगा न्यू फोरकास्ट यू टी माइनस वन प्लस एल्फा ई टी यही तो फॉर्मूला है हमारा देखो यूटी का फॉर्मूला क्या है हमारा ये रहा यू टी माइनस वन प्लस एल्फा ई टी अब जरा ध्यान से समझो देखिए एक्चुअल डिमांड हमें पता चलती है एंड पीरियड पर एस्टिमेट होता है बिगनिंग में तो आप ई मत समझना सर इन्होंने तो एक्चुअल सारे ही दे रखे हैं हमें बिगनिंग में ही सारे एक्चुअल कैसे पता चले बिगनिंग में नहीं पता चले वो वीकली पता चलते गए अब हमसे इन्हें बहुत सारे पीरियड के लिए डेटा कैलकुलेट कराना है तो इन्होंने तो हमें बताना ही पड़ेगा ना जरा ध्यान देना जब इन्होंने फर्स्ट वीक की बात स्टार्ट की थी तो इन्होंने कहा था कि हमने एस्टिमेट लगाया था वन का फिर से पढ़वाऊं क्या देखिए जरा कहां पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की थर्ड लाइन के मिड में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022 दे हैव फोरकास्टेड डेटा ऑफ डिमांड ऑफ देयर शूज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 1000 पेयर बट द एक्चुअल डिमांड ट्रंट आउट टू बी 900 हंड्रेड पेयर ठीक है जरा ध्यान देना तो ये फर्स्ट वीक के लिए उन्होंने एस्टिमेट लगाया था अच्छा जबकि एक्चुअल में डिमांड क्या रही 900 की एक्चुअली में डिमांड क्या रखी 900 की तो 900 हंड्रेड माइनस वन ये हमारा आएगा क्या फोरकास्ट एरर कितना आ गया फोरकास्ट एरर 100 का फोरकास्ट एरर क्या आ गया माइनस हंड्रेड यानी ये क्या है ई अब ई को अल्फा में मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है हमें करेक्शन तो माइनस हंड्रेड ये अगर ई है तो एल्फा की वैल्यू पॉइंट है तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा माइनस का टेन माइनस का टेन और ये माइनस का टेन आ गया तो हमें ये कैसे निकालना है ध्यान से यूटी माइनस वन यानी यूटी माइनस वन ये वैल्यू प्लस ये माइनस का टेन 10, तो वन थाउजेंड में माइनस टेन को प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा ये बनेगा नाइन नाइनटी ये नया फोरकास्ट आया है और ये न्यू फोरकास्ट कौन से पीरियड के लिए आया है सेकंड वीक ऑफ मार्च के लिए ध्यान रहेगी क्या बात ये सेकंड वीक ऑफ मार्च का फोरकास्ट आ गया अब हमें आगे बढ़ना है तो जरा ध्यान देना इस फोर का अब सेकंड वीक में एक्चुअल डेटा क्वेश्चन में दे रखा है क्या सेकंड वीक का एक्चुअल डेटा देखो सेकंड सेकेंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वीक ऑफ मार्च वन थाउजेंड टेन पेयर्स तो एक्चुअल में हम यहां पर लिख देंगे वन थाउजेंड टेन अच्छा फोरकास्ट क्या था फोरकास्ट जो हमने न्यू फोरकास्ट निकाला था ये वाला फोरकास्ट ले लीजिए नाइन इस नाइन को हम यहां पर ले लेंगे फिर से कंप्यूटेशन करो हां जी दिस माइनस दिस इस बार फोरकास्ट एरर क्या है तो वन थाउजेंड टेन माइनस नाइन नाइनटी आ गया पॉजिटिव ट्वेंटी करेक्शन क्या होगी तो कैसे निकालोगे इस ट्वेंटी को पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमारा अल्फा की वैल्यू पॉइंट वन है तो क्या आ जाएगा सर ये आ जाएगा टू ये टू आ गया तो न्यू फोरकास्ट क्या बनेगा प्रीवियस फोरकास्ट प्लस टू कितना बन गया नाइन नाइनटी टू समझ आई बात इसी तरह नेक्स्ट वीक थर्ड वीक का एक्चुअल के एक्चुअलिंग का एक्चुअल दे रखा है क्या हां सर ये भी एक्चुअल दे रखा है हमें कितना है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक ये है वन थाउजेंड थर्टी टू पहले सारे लिख लेते हैं वन थाउजेंड थर्टी टू आपको समझ तो आ गया ना कैसे कंपटीशन हो रही है और देखिए फिर क्या है नाइन सेवनटी सिक्स फिर क्या है नाइन थर्टी फोर नाइन सेवनटी सिक्स नाइन थर्टी फोर और देखिए वन थाउजेंड एट एंड वन थाउजेंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एट वन थाउजेंड ट्वेंटी ये डेटा हमें दे रखा था अब जरा ध्यान से ये वाला फोरकास्ट उठाकर यहां पर लिख दो प्री प्रीवियस फोरकास्ट हो गया ने थर्ड वीक के बिगनिंग के लिए नाइन नाइनटी टू दिस माइनस दिस कितना आ गया वन थाउजेंड थर्टी टू माइनस नाइन नाइनटी टू ये आ गया फोर्टी क्या आएगा माइनस का ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी को पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू अब नाइन नाइनटी सिक्स में से टू माइनस करेंगे आएगा नाइन नाइनटी फोर इस नाइन नाइन्टी फोर को यहां पर ले आएंगे अब 934 में से नाइन आएगा माइनस 60. 60 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अब 994 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नाइन एटी एट इस नाइन एटी एट को यहां पर ले आइए वन थाउजेंड एट में से नाइन एटी माइनस किया ये आया पॉजिटिव 20 20 को पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू 988 में टू ऐड कर दो ये बन गया नाइन इस नाइन को यहां पर ले आइए में से माइनस करेंगे थर्टी थर्टी को पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री और नाइन में थ्री ऐड करेंगे आ जाएगा नाइन थ्री हर वीक के बिगिनिंग के लिए देखिए हमने न्यू फोरकास्ट निकाल कर दे दिया है जो इन्होंने हमसे कहा था इस तरह कंप्यूटेशन करनी है यानी कुछ भी नहीं है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में बस आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसके फॉर्मूले से आप ये स्टेटमेंट बनाकर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कर सकते हैं क्लियर है ये लो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है